We can have other questions. Just I would like to see his. I'll answer very briefly. First question must have been really was asked. You have a well, yes. I met Nigam Ji old heart. It was near that all the developments of Shah Jahanabad took place. And we just cannot ignore the site, the location, where it is and where the Mughals constructed their fort. Mm-hmm. As far as your actual question was concerned regarding why the early sultans were preferring the ridge, I think a better answer would be provided by my friend Razibuddin Sahab. लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको ये जवाब दे दूँ कि जाहिर है कि हम लोग उस पीरियड से डील कर रहे हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ के ऊपर आके और लालकोट और उस इलाके को जब फतह करते हैं तो पहला शहर है दिल्ली का जहाँ पे उनकी 1206 में उसको वो फतह करते हैं और वहाँ वहीं के ऊपर उसी पुराने शहर से वो अपना बेस बना के शुरुआत कर जाहिर है कि देखने के बाद हमें लगता है कि उनको कुछ ही सालों में नीचे उतर जाना चाहिए था, लेकिन आपको याद होगा कि इल्तुतमिश का अपना बेटा मुगलों का शिकार हो गया था, बलबन उनका बेटा मुगलों का शिकार हो गया था, और सबसे उससे इन सब चीजों से बड़ा एक सवाल ये होता है कि आखिर जो इलवरी टर्क्स थे ये हिंदुस्तान में आके अपनी सल्तनत क्यों कायम कर रहे थे। अब हो सकता है कि अपील साहब कुछ और जवाब दें, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनकी कोई मोहब्बत हिंदुस्तान से नहीं थी, वो इसलिए यहाँ कर रहे थे कि वो वापस ही नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं वापस जा सकते थे? क्योंकि मंगोलों का डर था और उनके इलाकों पर मंगोलों का कॉन्टैक्ट था, एक तरीके से कब्जा था। इल्तुतमिश के दौर में चंगेज खान हिंदुस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गया, वापस हो गया खुदा का फजल, लेकिन उसके बाद जितने अटैक्स हैं, आप देखिए कि अलाउद्दीन के पीरियड में वो बेचारे किले से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक आध बार कोशिश की गई, अगर आप फ्रैंकनबर्ग की एक किताब है दिल्ली थ्रू द एजेस, अगर आप उसे देखें तो कई बार आपके सुनील कुमार साहब ने काम किया था, अहमद हवेली साहब ने उस पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा और दिगर हजरात, बार बार कोशिश होती थी, क्योंकि ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पानी की दस्तियाबी, और इन लोगों को हौज और टैंक्स बनवाने पड़ते थे, अब वो फिर सिल्ट हो जाते थे, बंद हो जाते थे, फिर खुदवाने पड़ते थे, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन मसला ये था कि उतरे तो कैसे उतरे, दो बार अटेम्प्ट लिया था गयासपुर की तरफ, बाद में जो बी आर मनी साहब की किताब का मैंने जिक्र किया था उस पर उनकी खुदाई है, एक तो उन्होंने उधर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क की तरफ खुदाई की थी, एक इसी इलाके में की, और दोनों जगह उनको ये पता चला कि जो यहाँ आबादी जो जमुना के किनारे पहली बार जो खलजी दौर में और फिर अल्टीमेटली तुगलक दौर में बसाई गई थी, दोनों दौरों में वहां के ऊपर उस शहर को शायद जलाया गया था क्योंकि उस पर राख के ढेर मिलते हैं, और इनको भाग के, आज भी आपको याद होगा आपकी पुरानी दिल्ली की तरफ मंगोलपुरी और मुगलपुरी नाम से बस्तियां हैं जहां पे मंगोल सोल्जर्स जो आए थे वो, फिर तो मसला वो था। लेकिन जिस वक्त इन्होंने अपने पे उबूर पार लिया दिफाही अंदाज में, तब रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता जो मूवमेंट था वो दरिया ही की तरफ हुआ। तो लगातार हाफ अटेम्प्ट थी, एक तरफ पानी है लेकिन एक तरफ अभी पनाह है उन पहाड़ों से, लेकिन तुगलका के बाद जैसे मैंने जिक्र किया फिरोजाबाद, अब फिरोज शाह के पीरियड में अब ये आबादी जो है वो दरिया के किनारे आके बसने लगती है ना, तो ये एक बस्ती है फिर बिगड़ती है, फिर बस्ती है फिर बिगड़ती है, अल्टीमेटली मुगलों के दौर में आके शाहजहानाबाद आखिरी एक तरीके से शहर होता है जो उनको सिचुएट कर देता है उस इलाके में। ये मेरी समझ थी जिससे मैंने आपको आंसर दिया। पठानों का जिक्र जाहिर है कि आपने डॉक्टर साहब से पूछा है, डॉक्टर साहब ही उसका आंसर देंगे,
मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं भी अगर मुगलों की जगह होता तो पठानों पे कभी एतबार न करता। अब आप आधी पठान है तो मुझे थोड़ा एतबार मुगलों वाला है ना, क्योंकि हम पठानों को हटा के ही आए थे, तो कभी इनकी इम्पोर्टेंस मुगल पीरियड में नहीं दी गई, चाहे कि औरंगजेब के पीरियड में थोड़े से अफगान ले लिए गए थे। और हाँ, ये फैक्ट है कि मॉडर्न हिस्टोरियंस क्यों पठान हिस्ट्री को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये आपकी जो एक खफगी है सर आंखों पे, ये नहीं होना चाहिए। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई जितने भी आप सल्तनत पीरियड के सोर्सेज हैं सबको उठा के देख लीजिए, कहीं पे कुव्वत का भाई देखिए 19 सेंचुरी में सर सैयद अहमद खां बानी है मेरे यूनिवर्सिटी की, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके कुछ और भी पहलू हैं जिन पे मैं यहाँ पे पब्लिकली नहीं बोलना चाहता। उनके जहन में ये आया कि भाई ये वो दौर है खासतौर से 1857 के बाद, जब एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बड़े एक्शन हो रहे हैं, ना उनको कहीं जॉब मिल रही है ना कुछ हो रहा है, बड़ी एक तरीके से आजकल एक लफ्ज चला हुआ है पसमानदा, तो वो पसमानदा बन चुके हैं, तो जरा सा इनको उठाया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बेहतर होगा कि इस मस्जिद का नाम ही हम कुव्वतुल इस्लाम रख दें, क्योंकि कोई और पहलू नहीं है कि जिसकी वजह से उन्होंने उसको अचानक कुब्बा से उन्होंने कुव्वत कर दिया। फारसी वो भी जानते थे, सोर्सेज उन्होंने पढ़े थे, ट्रांसलेट भी किए थे, लेकिन डेलिबरेटली उन्होंने इसको टर्न किया। आज जो आप बात कर रही हैं, तो आज मैं अभी चंद साल पहले जब कुतुब मीनार पे गया था तो वहां भी ये सुना था कि ये तो पृथ्वीराज चौहान की बीवी यहाँ से जब सूर्य नमस्कार करने के लिए चढ़ा करती थी। अब ये कहानियां हैं, ये तो ये सर्कुलेट होती हैं। जहां तक एएसआई का सवाल है, एएसआई को हम जितना ना क्रिटिसाइज करें वो कम है, क्योंकि एएसआई अब तक अपने कॉलोनियल दौर से उभर ही नहीं पा रहा है। मैं दिल्ली के बारे में तो नहीं जानता, फतेहपुर सीकरी पे मैंने काम किया है, अरे बहुत कुछ फतेहपुर सीकरी पे लिखा जा चुका, लेकिन जो 19 सेंचुरी में जिस नाम से जिस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई किया गया था, आज भी वही नाम उनके पत्थरों पे लिख के उसी से बुकलेट को चला रहे हैं। तो अब इसका सिवाय ये कि, और जहां तक वॉक्स की बात है, शायद अगर ज्यादा हिस्टोरियंस वॉक कराने लगे तो ये सिचुएशन बेहतर हो जाए, हाफ हिस्टोरियंस ज्यादातर करा रहे हैं।